हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? हेलो करो क्या? हेलो। कहाँ जा रहे हैं हम? बाहर। क्या लेने? किट्टू के गिफ्ट लेने। किट्टू के लिए गिफ्ट लेने। तो आज है कियान के फ्रेंड किट्टू का हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे पार्टी में जाना। आ गया मिट्टू। मिट्टू आ गया? हाँ, पीपी आ गया। किसका बर्थडे है बताओ सबको? किसका बर्थडे? किसका है? किसका है आप बताओ? कियान के फ्रेंड का बर्थडे है, तो कियान उसके लिए गिफ्ट लाने जा रहा है। बाद में हम उसके घर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। चले, सबको बोलो कि चलो आप भी हमारे साथ। तो खाने में शाम के लिए मैंने सरगवा की कढ़ी बना दी है और भाखरी है, या भाखरी खानी होगी तो भाखरी, वरना रोटला बना दूंगी, गिर जाओगे। तो सरगवा की कढ़ी की रेसिपी मैंने पूरी ली है, बीच में कहीं पे रख दूंगी मैं। अभी चलते हैं गिफ्ट लेने के लिए। कहाँ जा रहे हो आप? बाहर। क्या? ब्लेजर है? मैं तो ने गिफ्ट आप इसने? ओके, चलो जाइए। हाँ। चलो चलो। कहाँ जा रहा है? ओके, फिर क्या करोगे? चल 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 ले। यहाँ जवानू छे अंदर। हाँ हाँ, त्या वेट कर। सुपर एक्साइटेड किया। क्या ओके करो हैप्पी बर्थडे, करो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टू किट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नन्ना मुन्ना लाल कलर पे, लाल कलर पे, लाल कलर। चलो एक बार सबके लिए सन्नो सन्नो पहले मेरे को पापा बोले चल लेना सन्नो। यंग क्या लेके आया? सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिटर्न गिफ्ट। ओके, घर पे चलो, आ जाओ जल्दी आओ। इसमें ना खाना है, इसमें पाव भाजी है कियान के लिए। पाव भाजी? हाँ चलो। इसमें क्या है? उसमें गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न? हाँ चलो लाओ, मैं ले लूँ। मैं ले लूँ पर नीचे गिर जाएगा बेटा। ये लो, हाँ। ले लो, ये भी ले लो। सबको तो सबसे पहले, और आज हमारी मैडम ने बना दिया है सरगवे की कढ़ी। अंकल कितने दिनों बाद मैं खाऊंगा आपका पता नहीं, मैं कितने सालों बाद बन रहा है। वैसे दिनों बाद तो भूल जाओ, सालों बाद की ये बात है। तो अब देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि मैं तो इसका स्वाद ही भूल गया हूँ अंकल कैसा होता है। वैसे कढ़ी मेरे को, तेरे को तो पता है इतनी पसंद है नहीं। मत खाना आप। तो मैं क्या खाऊंगा? सब्जी बना दूँ आपको? नहीं, मेरे को चलेगा। और कियान की आ गई है पाव भाजी आज। कियान अभी गया, बताया तूने कियान कहाँ गया था? कियान गया था एक बर्थडे में, तो वहां से अभी आया है। और बाकी रिंकल आज का दिन कैसा रहा? ठीक ठाक। तबीयत थोड़ी टाइट हो गई यार, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं सोया है? फिनिश करियो। अबे कौन है? मेरी सब्जी, आ जाओ। देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। हैंड वॉश करो, चल वॉश करिए अपने हैंड। ओके, शू क्या नहीं अंदर वॉश कर है? सब्जी बोली कटी, कोई बात नहीं, कटी सब्जी चलता रहता है। अभी सुनो मेरी बात। हाँ
हल से नहीं हमारे साथ गाजरी चाहिए कि मेथी वाली मिर्ची? मेथी वाली मिर्ची। चलो 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 पची संजय दादा ने फोन करवो छे हे करीस ने? हां हूं बात करी संजय दादा ने शू कहिस? मारी संजय दादा ये उधर घर आई संजय दादा ने हमला ऊपर संजय दादा ने कही दो ल कही दो ल नहीं कहू यस वी क्या हो गया ये? चलो हो गया। ये देखो जबरदस्त मिर्ची है और ये है। बैठ जाओ। चलो चलो बैठना ही है अभी। आपको क्या चाहिए क्या? पपीता। अभी ये खाना है। सब्जी भाकरी खानी है क्या? बोल जी मर्ची। चल गया बाहर। चल तू तो खा से आओ। चलो भाई साजन फली ले लेते हैं। इसको हिंदी में साजन फली बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं और गुजराती में तो सरगवो सरगवा बोलते हैं। तो ये सरगवानी सिंग। तो साजन फली को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी मिल गई थी, पर इसको कई जगह पे होता ही है कि पतली पतली एकदम मिल गई। इसमें है ना बहुत ही अंदर मावा होता है जो इतना बढ़िया लगता है। मुझे तो सिंग इतनी पसंद है ना कि बात ही मत पूछो। और मेन ज़्यादा तो मुझे है ना मम्मी के हाथ की सरगवा की कढ़ी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसी नहीं बना पाती हूँ, पर ट्राई करती हूँ कि बन जाए, पर टेस्ट वो नहीं आता है। मैं सच बता देती हूँ कि वो नहीं आता है। चलो भाई यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। पानी को गर्म होने देते हैं क्योंकि ये जो साजन फली की सींग है ना उसको हम उबालेंगे। तो पहले तो मैंने पानी ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी नमक। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच जितना नमक डाला है और पानी को हम उबाल आने देंगे। थोड़ा सा उबाल आएगा उसके बाद हम सारी साजन की फलियाँ मतलब साजन फली वो जो सिंग है ना उसको डाल देंगे। ये इसीलिए हम करते हैं ताकि जो भी कड़वाहट हो इसमें, कड़वाहट नहीं कड़वाश जो भी हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने छाछ ले ली है, वो तकरीबन होगी 1 लीटर जितना। तो इसको है ना ये खट्टी नहीं थी मेरे पास, पर मैंने है ना इसको बाहर रख दिया था पूरे 1 दिन के लिए, तभी ये छाछ खट्टी होती है, वरना खट्टी छाछ नहीं होती है जो बाहर से लाई होती है वो। तो छाछ को हम रख देंगे साइड में। और देखो मैंने लाइट भी जला ली, ये पानी भी उबल गया है और साथ में हम डाल देंगे ये सिंग सारी। तो आप वैसे डायरेक्ट कढ़ी में भी डाल सकते हो, पर इसमें शायद जो कड़वाहट हो तो निकल जाए। मुझे लग रहा है तब तक इसमें तो नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार उबाल रही हूँ नमक डाल के। मैंने 2 दिन पहले ही सांभर में भी डाला था, पर बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रही थी। वाव। तो ये क्या लग रही है, इसको हम उबालेंगे। जब तक ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए, अंदर से पक ना जाए, तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। ढकना नहीं है, ऐसे ही उबालेंगे खुला छोड़ के ही। चलो भाई अभी ले लेते हैं हम छाछ। तो छाछ में सारे मसाले करेंगे और मसाले में डालेंगे पहले तो नमक। आप नमक बाद में भी डाल सकते हो, पहले भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो पहले मैं डाल रही हूँ नमक इसमें और बाद में जाएगा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप अदरक मिर्च लेना चाहते हो, अदरक मिर्च की पेस्ट, तो अभी यही टाइम पे डाल देना हल्दी पाउडर और साथ में ही जाएगा धनिया जीरा पाउडर। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि मैं है ना धनिया जीरा पाउडर निकालने गई हूँ और डब्बी में ख़त्म हो गया था, तो वो निकालना तो पड़ेगा ही। तो धनिया जीरा पाउडर डलेगा। आपके पास धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर डाल दीजिए और धनिया जीरा दोनों है तो दोनों। तो अभी मैंने डाल दिया है यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर। और अभी इसमें आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो और गुड़ भी ऐड कर सकते हो। आप जो भी खाना पसंद करते हो वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे गुड़ यूज़ कर रही हूँ। गुड़ का टेस्ट और शक्कर दोनों का टेस्ट अलग आता है। शक्कर यानी कई जगहों पे शक्कर मतलब गुड़ को भी शक्कर बोलते हैं, वो वाली शक्कर नहीं शुगर मैं बोल रही हूँ। अभी इन सबको कर लेंगे मिक्स। गुड़ पिघलता है तो ठीक है, वरना ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि बाद में हमें याद आए ना आए छाछ में ही सारा मसाला कर लेंगे। और अभी ये देखो साइड में हमारी साजन फली की सींग उबल रही है और अच्छे से उबाल भी आ रहा है, उसको हम रखने देंगे। बाजू में ले लेंगे दूसरा पैन, उसमें डालेंगे हम घी ऑयल, आप जो भी पसंद करते हो वो डाल सकते हो। तो अभी तो मैं
कैमरा सेट करने में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ मेरे से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सेट हो गया है, मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और अभी इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ घी। आप सिर्फ घी में भी बना सकते हो, घी ऑयल दोनों मिक्स में भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों मिक्स करके लिया है। सिर्फ घी के टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें है ना खड़े मसाले डाल सकते हो आप, लविंग ताज, पर मैं बहुत ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ खड़े मसाले, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। आपको अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो। तो अभी ये देखो यहाँ पे कड़ी पत्ता देखो कितने बड़े बड़े आते हैं, तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है, फेंक देती हूँ मैं। कड़ी पत्ता का टेस्ट कहाँ टेस्ट नहीं पर स्मेल नहीं आती इतनी जहाँ जितनी हम गांव में तोड़ के जो ना डालते हैं ना, ये मुझे लगता है कि वो वाले कड़ी पत्ता है, कौन से बोलते हैं उसको, नहीं याद आएगा, देखो छोड़ दो, चलो हाइब्रिड, हाँ याद आ गया ना। चलो अभी ये गरम हो गया है शायद, और अभी हम इसमें डाल देंगे जीरा। कोई लोग राई डालते हैं, कोई नहीं डालते, मैं तो नहीं डालती हूँ। तो मैंने डाल दिया है जीरा यहाँ पे, और बाद में ऊपर से जाएगी हींग। तो हींग डालते डालते पहले मैंने मिर्ची डाल दी, तो यहाँ पे मैंने सूखी मिर्ची ली है, बाद में डाली हींग, बाद में हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता जो तरतर तरतर होगा थोड़ा, कोई बात नहीं उतना हम होने देंगे, पर इसका देखते हैं। वैसे बाहर तो ऐसा ही मिलता है, वरना जो कड़ी पत्ता का टेस्ट आता है ना भाई वाह लाजवाब आता है। हमने गांव में बहुत कड़ी बनाई है, तो उसमें तो उबालने में ही डाल देते थे। मेरी मम्मी जो कड़ी बनाती थी ना, वो पहले कड़ी को उबालती थी, बाद में ये तड़का लगाती थी। तो वैसे भी आप कर सकते हो, मैं कई बार ऐसे बनाती हूँ, पर दो तीन स्टाइल से तो बन ही जाती है कड़ी। अभी मैंने यहाँ पे लिया है चने का आटा 2 बड़ी चम्मच, और इसको हम भूनेंगे। तो आपको अगर थोड़ा कम लगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो अपने हिसाब से, जितनी छाछ ली है उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 लीटर जितनी छाछ ली है, तो उसमें आपको 2 बड़े चम्मच लगेगा। हल्का सा मैं वापस थोड़ा डाल दूँगी चने का आटा, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि ये है ना घट्ट होना चाहिए एकदम। मतलब आप बाजरी के रोटले भाखरी या रोटी के साथ खाओ तो एकदम बाइट में आना चाहिए, उतना घट होना चाहिए। तो ये मैं स्लो फ्लेम पे भुनूंगी। बाजू में देखो आप कि सहजन फली की सींग सारी बॉईल हो रही है, मैं थोड़ा आटा डाल रही हूँ और, तो 2.5 चम्मच बड़ी यहाँ पे आटा लगा है। तो हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि जले नहीं ये, और इसको चलाते ही रहना है वरना ये जल्दी जल सकता है। तो इसको मैं चला रही हूँ, और जैसे जैसे इसका कलर डार्क होता जाएगा वैसे वैसे आपको स्मेल भी आती जाएगी, और वैसे ही आपको डाल देनी है छाछ मसाला वाली जो हमने बना के रखी थी। तो वो छाछ भी डाल दी है, देखो गुड़ भी अटक गया है, तो गुड़ भी मैंने निकाल के डाल दिया, क्योंकि आप पहले से अगर मसाला करके रखते हो तो गुड़ पिघल सकता है, वरना कोई नहीं इसी में ही पिघल जाएगा। तो अभी इसको उबाल के रखना है, बहुत ज़्यादा उबालना है, और तभी ये घट होगा, और बाद में उबलने के बाद ही हम साजन फली की सींग डालेंगे। तो कियान उठ गया है, तो मेरी मतलब मेरे वीडियो का प्रोसेस यहाँ तक ही हो रहा है, यहाँ से आगे उबालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी कड़ी, क्योंकि पूरी प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊंगी। कियान उठ गया है, तो मैं जा रही हूँ कियान के पास, और आगे के वीडियो में आप देख लेना कि कड़ी कैसी बनी है। ऊपर से मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा डाला है जो मैं उसमें वघार में डालना भूल गई थी। यस रिंग दोपहर के 11:30 बजने को आए हैं, और सुबह से हम लोगों की बात ही नहीं हुई है, मतलब कि वीडियो नहीं बनाया है, क्यों सुबह सुबह जो हमारा रूटीन होता है वो था, और कियान को आज छुट्टी है, सैटरडे का दिन है, तो सुबह सुबह नीचे लेके गई थी उसके साथ खेलने, और आके फिर नहलाया धुलाया खाना खिलाया, खाना बना के खाना खिलाया, सब कुछ ख़त्म हो गया अभी मतलब काम। तो अभी वो टीवी देख रहा है, खाने के बाद चिप्स लेके बैठा है, तो खाने के बाद तो वो कुछ भी मांगेगा मैं दे दूँगी, पर पहले खाना, बाद में जो उसको चटर पटर चाहिए वो सब कुछ दे देती हूँ मैं, वो तो चलता है उतना। तो चलो एक बात ये हो कि सब लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि आप और सारिका दीदी दोनों चलाला अभी जाना बंद कर दिया है,
तो ये आपकी बहुत ज़्यादा वाली गलतफहमी है, क्योंकि होता ये है, नो डाउट पहले सारिका इतना नहीं जाती थी, मैं तो जाती थी, पर वो भी साल में एक बार। और अभी क्या हो गया है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, अभी देखो पहले कियान नहीं था तो मैं बहुत जाती थी, अभी कियान आ गया उसके बाद कम कर दिया, फिर कियान अभी स्कूल में जा रहा है तो उसको क्या सारे फेस्टिवल अभी आ रहे हैं, तो स्कूल में भी फेस्टिवल के हिसाब से मुझे भी अच्छा लगता है, उसको भेजू, डांस करेगा, वो सब कुछ होगा, तो ऐसे टाइम के हिसाब से फिर हम चलते हैं, फिर नहीं जा पाते हैं। और फिर तो बच्चे बड़े होते जाएंगे, वैसे तो बहुत ही कम होता जाएगा, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है। और हम है ना जन्माष्टमी में दोनों महीने जाने वाली थी, पर हुआ ये कि सूरत में ही सारिका को पापा मम्मी मिल गए थे, तो फिर सारिका ने सोचा कि अब नहीं जाना है, मैं बाद में जाऊंगी, तो फिर मैं भी यहाँ से नहीं आई, क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ जाता है, वरना जन्माष्टमी में हम दोनों जाने वाले थे। मतलब पहले से ही रक्षाबंधन के दिन हमने तो डेट भी फिक्स कर ली थी हम दोनों के, हम तो चारों जाने वाले थे, चिराग, मैं, सारिका और जयदीप, पर सॉरी जीजू, फिर आप बोलोगे कि जयदीप क्यों बोला, मैं पहले जयदीप बोलती थी, और चलो छोड़ो, सारिका और जीजू, तो फिर बाद में मिल लिया था सूरत में ही, तो फिर ऐसा सोचा कि अभी तो मिले हैं, बाद में जाएंगे, और फिर बच्चों का अभी फेस्टिवल का चल रहा है स्कूल में, तो ठीक है अभी हम जाएंगे, कब जाएंगे वो आपको नहीं बताएंगे, जाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि आप लोग फिर बहुत ज़्यादा ही कमेंट करते हो और ज़्यादा ही सोचते हो, इतना ज़्यादा मत सोचो। हमें पता है हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में सब खुश है, सब अच्छा चल रहा है, आप लोग कमेंट करके आप लोग ही बुरा सोच रहे हो कि ऐसा हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलने दो, आप भी सबका वीडियो एंजॉय करो, खुशी मनाओ और फेस्टिवल भी मनाओ। अभी तो नवरात्रि अभी स्टार्ट चल रहा है, नवरात्रि आएगी फिर दिवाली आएगी, तो ये सारे दिन कैसे कट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत ही मौज मस्ती से रहो। बस हमारा मेन एम यही है कि आपको भी हम मौज मस्ती कराएं, हम भी मौज मस्ती करें, और ना कोई दुख, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुख नहीं शेयर करते हैं, पर बस आपको हंसाए और आप भी मुस्कुराते रहो। मेरा छोटू बैठ गया है, हमारा ये दोपहर का शेड्यूल यही होता है, देखो बेड के ऊपर उसके फैलाया है, और ज्ञान की आदत वो है कि चिप्स के साथ तो बनाना चाहिए चाहिए, मम्मा जैसी आदत है ना, ओके एंजॉय। चलो भाई इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कल वापस मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।